गाइस इन दिस वीडो विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक सीयू टी पीजी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव एग्जामिनेशन एज दिवाली इज कमिंग अप सो प्री दिवाली क्या क्या प्रिपेयर करनी है एंड पोस्ट दिवाली क्या क्या प्रिपेरेशन करेंगे यह सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे सीओ क्यूपी इलेवन पेपर कोड एंड सीओ क्यूपी ट्वेल्व पेपर कोड ओके सो थ्रू सी यूटी पी जी एनालिटिक्स एलएसपी सोशल ऑन्टरप्रिनरशिप और बाकी के कोर्सेज जिसका कट ऑफ ऑल टाइम हायर होता है टू सेवेंटी के आसपास कट ऑफ लास्ट ईयर एनाटिक्स का था एल एस पी वॉस टू सिक्सटी फाइव के आसपास एंड सी यू के पी एलेवन के थ्रू पब्लिक हेल्थ पॉलिसी गवर्नेंस वाले एंड सोशल वर्क वाले प्रोग्राम एजुकेशन वाले प्रोग्राम्स ठीक है तो दोनों पेपर कोड को लेकर के आई विल बी गाइडिंग यू एंड अगर आपने पढ़ाई चालू कर दी है अच्छी बात है स्टेज वन के साथ साथ स्टेज टू पे भी थोड़ा थोड़ा फोकस रखना जो भी कोर्स आप एक्सप्लोर कर रहे हो या आप टारगेट कर रहे हो टिस्ट में उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और आपका जितने भी सोशल इश्यूज हैं जितने भी जीके के करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं जैसे कि अभी मल्टीपल कंट्रीज़ के वॉर्स चल रहे हैं लाइक like, रशिया यूक्रेन काफ़ी टाइम से चल रहा है अभी इसराइल और ईरान का चल रहा है तो ये सारी चीज़ें अवेयर रहो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे एंड ग्लोबल वाइज क्या होने वाला है थोड़ा बहुत इस बारे में पढ़ के ले लो ठीक है सो स्टेज टू को लेकर भी अलॉन्ग विद दी प्रिपरेशन वी विल बी गाइडिंग यू ठीक है तो चार चीज़ें मिली में डिस्कस करने वाला हूँ रिसोर्सेस क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है प्री दिवाली क्या काम करना है पोस्ट दिवाली क्या काम करना है चाहिए तो मैं साइड हो जा रहा हूँ इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो ठीक है तो दिवाली सेलिब्रेशन करना है बट थोड़ा थोड़ा है ना थोड़ा थोड़ा करना है बिकॉज सीट्स इतनी है इतने सारे लोग एग्जाम लिख रहे हैं और टाइम भी कम है तो आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्ज़ाम निकाल दूंगा अच्छी बात है बट अच्छा स्कोर लेके आओ सो so देट आप सेफर साइड रहो और स्टेज टू में भी अपने को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ओके इंडिया में दिवाली का मतलब दस से पंद्रह दिन के लिए हम बाहर हो जाते हैं राइट तो इस साल मेरा आपको यही बोलना है जो भी सेलिब्रेशन करना है पटाखे फोड़ना है है ना सेलिब्रेशन करना है छुट्टियाँ लेनी है वो आप सी एग्जाम और टेस्ट के सिलेक्शन के बाद कर लेना है ना अभी नहीं अभी का टाइम जो है वो फोकस करो आपके पढ़ाई को लेकर के बिकॉज अगर इस साल नहीं निकाले तो अगले साल एग्जाम आएगा एक साल का गैप होगा तो भाई एक साल का गैप हम अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है तो फटाफट आपकी प्रिपरेशन चालू कर दो टिस् रिले बैच ऑडी वी हैव लॉन्च फॉर ऑल द ट एस्परेंट सी यू टी पी जी सी यू के पी इलेवन एंड ट्वेल्व दोनों पेपर कोड को लेकर के यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम दिस स्पेसिफिक बैच है ये एट एट टू एट फाइव एट वन फोर फाइव फाइव पे इट विल बी लाइव बैच और हाँ क्लासरूम के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो पुणे एंड मुंबई दो जगह पे क्लासरूम कोचिंग इज देयर सो पुणे में अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू तो द डेक्कन मेट्रो स्टेशन एंड मुंबई में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बल लाइन में थाने दादा अंधेरी बोरीवली वैसे यू कैन विजिट और बुक्स मॉक टेस्ट सेक्शनल कोर्स अगर चाहिए आपको सेल्फ स्टडी कोर्स चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन अपार्ट फ्रॉम दिस टिस कैंपस को लेके हर कोर्सेज को लेकर के मैं इनसाइड वीडियो लेकर आ रहा हूँ लाइफ इन टिस जो भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो रिसेंटली आप टेकन दी एनाटिक्स कोर्स को लेकर के कंप्लीट इनसाइट वैसे ही दूसरे कोर्सेज को लेकर भी इनसाइट वाले वीडियोज़ आने वाले हैं चैनल से कनेक्टेड रहो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मेनू और कैट सीई टी टू कैट प्रिपरेशन चैनल का नाम है इसको सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज कैट के थ्रू भी एच आर एमएलआर ओडीसीएल एंड एम एच ए ये तीन कोर्सेज के लिए कैट का एग्जाम लिखना पड़ेगा सो so कैट को लेके भी जो प्रिपरेशन वाले वीडियोज है टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव वाले ट्वेंटी सिक्स वाले वो इस चैनल पर आपको मिलेंगे ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज को लेकर रिसोर्सेस में गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट तो थ्रू आउट मेरे वीडियोज आई कीप गाइडिंग यू पीपल शॉर्ट्स में भी आई गाइड यू एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे छोटे छोटे वीडियोज़ आते हैं तो ये हैंडल है इंस्टाग्राम का काइंडली गो एंड चेक द इंस्टाग्राम हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन में और ये वाट्सअप ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप में इंफॉमेशन शेयर होते रहती है एवरी डे कुछ ना कुछ आते रहता है तो एटलीस्ट हम एक इको सिस्टम से जुड़े रहेंगे अपने टिस्क की प्रिपरेशन को लेकर के ठीक है मेंटरशिप आई कीप गाइडिंग यू विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर प्रिपरेशन सेक्शन कैसे क्रैक करना है स्कोर कैसे लाना है अगर मैथ्स वीक है तो उसको कैसे बेटर बनाना है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं मेंटरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक स्टडी मटेरियल तो आपके पास जो भी बुक है उससे आप कर लो एंड इफ यू हैव ऑर्डर मेन्यर बुक या सेट ऑफ बुक्स ले लेना ठीक है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ने ने दिया हुआ है बट अगर लाइव या क्लासरूम आपने ज्वाइन किया हुआ है तो डोनी टू बाई ये आपको कॉम्पलीमेंट्री है ठीक है एंड या वीडियो लेक्चर का एक्सेस सो डैट थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन हम चालू कर दें उसको लेकर मैं डिस्कस करूंगा वीडियो लेक्चर का एक्सेस आपके पास होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ लेक्चर्स के पहले रिकॉर्ड वीडियोज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अपनी फाउंडेशन uh, को लेकर के ठीक है फिर लेक्चर क्लासरूम या लाइव जो भी मोड में आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें मॉकटेस्ट ट्वेंटी मॉकटेस्ट सी ओ के पी इलेवन एंड ट्वेंटी मॉकटेस्ट सी ओ के पी ट्वेल्व यही चालीस मॉक आपको मिलेंगे स्ट्रैटेजी यार मैंने अभी वन सेवन डेज का कंप्लीट टाइम टेबल का स्ट्रैटेजी दिया है वीक वाइज स्ट्रैटेजी दी है अगर आप वो सब फॉलो करते हो तो नहीं निकाल सकते हो ऐसा नहीं है फिर तो मतलब हमें नहीं करना ये वाली बात होगी अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो फाइट करने के लिए रेडी हो प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो एंड क्वेश्चन को समझ रहे हो हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो टेस्ट लिख रहे हो तो होगा ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा ठीक है तो ये रिसोर्सेस आपके पास प्रॉपरली होनी चाहिए नेक्स्ट इज क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है अपने को लेट प्रिपरेशन बिल्कुल मत चालू करो जब भी भी मेरा वीडियो देख रहे हो बिकॉज ऑडियो लोगों ने प्रिपरेशन चालू कर दी है तो आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो मतलब आप काफ़ी लोगों से लेट हो बट एग्ज़ाम के लिए लेट नहीं हो आप ठीक है ना बट अभी नहीं चालू किया तो एग्जाम के ले लिए लेट डेफिनेटली आप हो तो ये गलती नहीं करनी है जिससे मेरा वीडियो देख रहा हो फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो कोर्स नॉट डिसाइडेड इसको लेके मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा इसी चैनल पे तो इसलिए बोला मेनूअर दिस सी ई टू कैट चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसको लेके मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ ट्राई नेक्स्ट वीक तक मैं कर लूँ जिसमें मैं कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैं बात करूँगा बिकॉज ये बहुत सारे लोग लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलतियाँ की थी और होता कुछ नहीं आप बाहर हो जाओगे स्टेज टू में बाहर कर देगा पैनल पैनल राउंड जो इंटरव्यू होता है ना अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है उसको लेके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि वॉट डेट चेक बहुत सारे एस्परेंट स्टूडेंट होते हैं जो गलत तरीके से गलत कोर्स सेलेक्ट करते हैं स्कोर अच्छा आया है बट स्टेज टू में बाहर हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने गलत तरीके से कोर्स को चूज़ किया हुआ है सो so, तीन कोर्सेज दो कैंपस के लिए यू कैन गो फॉर बट तरीका बहुत सही होना चाहिए अगर आपने कोर्स सेलेक्शन सही से किया है तो बहुत अच्छी बात है मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है ये थमने लें इसका जहाँ पर मैंने कोर्स सेलेक्शन को लेकर बात की हुई है तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट एक पी ही दिया हुआ है ओके okay? तो उसके बाद डिटेल काउंसलिंग यार काउंसलिंग के लिए आर टीम इज देयर जो ऑनलाइन भी आपको काउंसलिंग कर देगी सेंटर पे भी आर काउंसलर सा देयर हु विल गाइड यू विद रिगार्ड्स टू दी कंप्लीट प्रिपरेशन कंप्लीट कोर्स तो एक इंफॉर्मेशन ले लो अच्छे से ताकि आगे जब प्रिपरेशन चालू करो तो कोई दिक्कत ना आए ठीक है, है? सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अगेन मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ टाइम टेबल वाला जो वीडियो है ये मेरा वन डेज का टाइम टेबल इसका भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गोवेन वॉज दिस वीडियो कम्प्लीट सिलेबस का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसी चैनल पर भी अवेलेबल है काइंडली गोवन चेक द वीडियो पास्ट पेपर एनालिसिस लास्ट ईयर सी यू डी पी जी ने फर्स्ट टाइम अट्टीस ने सी यू डी पी जी एक्सेप्ट करना चालू किया है तो हमने एग्जाम लिखा था दोनों एग्जाम उसकी पूरी एनालिसिस भी चैनल पर अवेलेबल है लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो लाइव वाले सेक्शन में चले जाना चैनल के लाइव स्ट्रीमिंग में वहाँ पर आपको मिल जाएगा जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो एक क्वेश्चन को मैं कम से कम तीन बार प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ वैंड शॉर्टकट एक क्वेश्चन बीस सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड या मैक्सिमम 60 सेकेंड में आपको बनाने हैं अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं है देन इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रैक अपार्ट फ्रॉम द शॉर्टकट टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी बिकॉज निगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन राइट हुआ तो आपको मिलेंगे चार मार्क्स और अगर गलत हुआ तो माइनस वन गलत हुआ तो माइनस वन के साथ साथ चार मार्क्स भी जाने वाले हैं तो ध्यान देना ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें जो आपको मिस्टेक्स अवॉइड डेफिनेटली करनी है नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्री दिवाली क्या क्या, -क्या प्रिपेयर करना है पोस्ट दिवाली क्या क्या काम करना है तो क्या क्या प्रिपरेशन करना है लेट्स टॉक अबाउट इट या न्यूज़ पेपर रीडिंग में हमेशा बोलता हूँ तो वो तो आप आई एम श्योर जब से आप मुझे फॉलो कर रहे हो आप कर ही रहे हो अगर नहीं करो तो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो फॉलो करना चालू कर दो ठीक है न्यूज़पेपर रीडिंग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई भी एक न्यूज़ पेपर फर्स्ट पेज जहां पे जी के भी अपना अपडेट हो जाएगा एंड एडिटोरियल पेज फोर्टी फाइव मिनट्स एडिटोरियल पेज मोर देन सफिशेंट तो द हिंदू थोड़ा टफ न्यूज़पेपर है तो अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो बाद में शिफ्ट कर लो द हिंदू पे बट पेज वन एडिटोरियल एंड इकोनॉमिक वाला पेज है तीन पेज अगर कर लोगे तो अच्छा है विदाउट फेल रीड करना मैं हर बार बोलता हूँ एंड मैन आई गो टू द क्लासरूम लेक्चर लाइव बहुत सारे स्टूडेंट नहीं चालू करते हैं उनको बार बार बोलना पड़ता है तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ और ये सारी चीज़ें फॉलो करो अगर एग्जाम निकलना है तो ठीक है जीके आपको डे वन से चालू कर देना है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों जी के पे काम करना पड़ेगा तो आपके सी ओ के पी इलेवन के अंदर जी के है सी ओ के पी ट्वेल्व के अंदर जी के नहीं है बट स्टेज टू में दोनों में आपको जीके के बारे में मतलब जितने भी जनरल इश्यूज हैं सोशल इश्यूज हैं है, आ, है ना नेशनल इंटरनेशनल उसके बारे में अपडेट होना पड़ेगा तो आप सी ओ के पी इलेवन लिख लो या ट्वेल्व लिख लो डजेंट मैटर आपको जी के बारे में करंट अफेयर्स के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा इंटरव्यू में काम आएगा वो ठीक है बाकी सी ओ के पी इलेवन के अंदर जी के आ रहा था स्टैटिक जी के हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी वो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है वीडियो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी आप चालू कर सकते हो और बाकी लाइक आफ्टर द पोस्ट दिवाली ठीक है ग्रामर के सारे रूल्स आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे ऑल द रूल्स आर देयर हैंड आउट्स आर देयर वो प्रिपेयर कर लो बहुत सारे लोग रेड एंड मार्टिन मोटी से बुक लेके प्रिपेयर करते हो वो करना है वो कर लो बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इतना करने की जरूरत नहीं है ठीक है आपके डैशबोर्ड पे जो दिया हुआ है बुक में जो दिया है सफिशेंट है आर सी सॉल्विंग एक रीडिंग कॉम्पिटिशन डेली का सॉल्व करना चालू कर दो एक वन आर सी वन रीडिंग कॉम्पटिशन ठीक है वर्ड पावर मेड इजी वो क्या आपके लिए मैंने हर मेरे लेक्चर में, में बोला हुआ है वीडियोज में बोला हुआ है ये बुक है ये करना है अपने को ठीक है इस बुक में फोर्टी फाइव सेशन है सारे संडे आपको रिविजन करना है मंडे टू तो फ्राइडे एक एक सेशन करना है एक सेशन करने में बीस से पच्चीस मिनट इस बुक का बेस्ट पार्ट है प्रिफिक्स सफिक्स रूट वर्ड सब कुछ आपको इस बुक में मिलेंगे मतलब ये समझ लो इट इज़ अ बाइबल फॉर द वो कैप देर आर लैक्स ऑफ वो कैप इन डिक्शनरी सबका मतलब आप याद नहीं कर पाओगे राइट right? तो अगर आपको पता है मैल फंक्शन मैल न्यूट्रिशन मैल प्रैक्टिस तीनों में मैल कॉमन है मैल का मतलब होता है बैड तो यू कैन गेस द मीनिंग समथिंग रिलेटेड टू बैड इस वर्ड का मतलब होगा निगेटिव वर्ड तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक से सीखने मिलेगी जितने भी एंट्रेंस इंडिया में होते हैं वो क्या यहाँ से आती है इसका पूरा वीडियो भाई दे आपके मेन्यर के डैशबोर्ड पर अवेलेबल है सेशन करने करने के बाद जैसे एक सेशन हो गया आपका डैशबोर्ड पर लॉग इन करो दस मिनट का वीडियो सुन लो ठीक है नंबर है लेटेस्ट रिस्ट ये लॉजिक का पार्ट है तो लॉजिक के सेक्शन में जाके ये वीडियो अच्छे से देख लेना ठीक है स्पीड मैथ्स परसेंटेज एंड सिम्प्लीफिकेशन ये तीन टॉपिक जो मैथ्स के हैं इस पर काम करना चालू कर दो ठीक है इससे होगा क्या कि आपका जो मैथ्स का फाउंडेशन है वो बेटर हो जाएगा स्पीड मैथ्स में सारे शॉर्टकट वगैरह बताए हुए हैं उसको देखने के बाद टेक रैंडम नंबर प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चन बिकॉज ट्रिक्स तो आप सीख लोगे बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो ग्रिप नहीं पकड़ेगा राइट परसेंटेज सिम्प्लीफिकेशन वैसे ही इनके वीडियो देखो आपकी मेनुअल की जो बुक है उससे प्रैक्टिस कर डालो इतना काम चालू कर दो ठीक है ये प्री दिवाली वर्कआउट है ठीक है अभी मैं डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से करना है और राइट सो वंस वंसू ज्वाइंट बैचेस ये एक्सेस मिल जाएगा आपको डैशबोर्ड का इंग्लिश के ये ग्रामर रूल्स के सारे वीडियोस और हाँ आर सी सॉल्व करने से पहले रीडिंग कॉम्पिटिशन सॉल्व करने से पहले ये वीडियो पूरे देख लेना ये बिना देखे सॉल्व मत करना आर सी नहीं बनेंगे ढंग से ठीक है ये सारे जो टेक्निक है ट्रिक्स है टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन सॉल्विंग है ये सब चीज़ें देख लो फिर सॉल्व करो आर सी ठीक है वैसे ही लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज़ मैंने बोला नंबर लेटर सीरीज़ और मैथ्स के अंदर आपका स्पीड मैथ्स परसेंटेज ये सारे वीडियोज़ ठीक है वैसे ही जीके को लेकर ले के दीज वीडियोज़ आर देयर स्ट्रैटिक जी के करंट अफेयर्स ठीक है वीक वाइज वीडियोज़ है जीके को लेकर एंड लास्टली पोस्ट दिवाली क्या क्या करना है तो भाई एक से दो दिन सेलिब्रेट कर लेना थर्टी फर्स्ट एक तारीख दो दिन सेलिब्रेशन कर लो बट ऐसा नहीं कि दस दिन के लिए सीधा ही ब्रेक ले करके और ये साइड में कर दिया आपने सी वो नहीं करना ठीक है स्पेशली दो जो आप वर्किंग प्रोफेशनल कॉलेज गोइंग हो आपके पास वैसे भी कम टाइम होता है तो थोड़ा ध्यान दो आपके एग्जाम पे पोस्ट दिवाली हम क्या क्या करेंगे पोस्ट दिवाली हमें जो आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे बिकॉज रिले बैच वी हैव लॉन्च और एक ऑन गोइंग बैच अभी चल रही है जो भी बैच आप ज्वाइन कर रहे हो ठीक है उसके लेक्चर्स चल ही रहे ऑन गोइंग में चल रहे हैं एंड रिले के पोस्ट दिवाली स्टार्ट होंगे कंटिन्यू विथ योर न्यूज़ पेपर रेडिंग ग्रामर आर सी वर्ड पॉर मेडिजी देखो ये एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा ठीक है आर सी न्यूज़ पेपर रीडिंग एंड आर सी ये आप एग्जाम का कंटिन्यू करो ठीक है आर सी की प्रैक्टिस के लिए आपकी मेनूअर की बुकलेट और डैश मेनूअर के डैशबोर्ड ओर पर लॉग इन करोगे पाँच सौ क्वेश्चन का हैंड आउट है ये खत्म करना है उसके बाद सारे लॉजिक के जो टॉपिक्स हैं उसके लेक्चर्स कॉन्ट के लेक्चर इंग्लिश के लेक्चर और सी ओ क्यूपी लेवन के लिए जा रहे हो कंप्यूटर एंड जी के लेक्चर प्लस कॉन्ट के अंदर डी आई भी आपका होगा सी ओ क्यूपी ट्वेल्व के अंदर डी आई भी आता है तो ये आपके लेक्चर्स पोस्ट दिवाली ये काम करने वाले हैं बट क्या होगा कि प्री दिवाली अगर हमने ये काम किया है तो हमारा बेस फाउंडेशन बना हुआ है हमें ऐसा नहीं कि हमें एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता हमें सिलेबस नहीं पता हमें क्या क्या पढ़ना ये नहीं पता ऐसा नहीं है हमने वो सारी चीज़ें पहले ही कर ली है ठीक है दिवाली के बाद भी नवंबर आ चुका होगा नवंबर मतलब फर्स्ट वीक तो निकल ही गया होगा आपका राइट नवंबर दिसंबर जैन फैफ मार्च में एग्जाम है चार महीने ही बचेंगे ठीक है तो ये सब कवर भी करना है अच्छा स्कोर भी लाना है टेस्ट में सिलेक्शन भी लेना है स्टेज टू भी क्रैक करना है तो टाइम ज़्यादा है नहीं, नहीं वेस्ट करो मत ठीक है सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो अगर अभी भी और कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो एंड या जितने लोग क्रिपल कर रहे हो कि कैसे सिलेबस कवर होगा और जितने लोग सोच रहे हो मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं कैसे क्रैक करूंगा डोंट वरी आप स्टार्ट करो ठीक है आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू टू मेंटेन यू पीपल मेहनत आपको करनी है प्रैक्टिस आपको करना है टेस्ट आपको लिखना है सेंटर पर भी मैं मिलूंगा लाइव वाले को भी मैं मिलूंगा डोंट नीड टू वरी सिर्फ आप मेहनत करने के लिए रेडी रहो बाकी प्रिपरेशन के लिए बैचेस क्लासरूम के लिए पुणे एंड मुंबई ये डिटेल्स दिया हुआ है यू कैन विजिट आर सेंटर एंड ऑनलाइन पैन इंडिया के लिए यू कैन कांटेक्ट आर ऑनलाइन टीम सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन डालिया हुआ है काइंडली चैटर डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर वेल इस साल टिस्ट में सेलेक्शन लेना ही लेना है ऑल द बेस्ट थैंक यू